नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू से बीए एलएलबी करना है तो इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। डिटेलिंग वीडियो है, हर कुछ डिस्कस करूंगा, यहाँ तक कि मार्किंग स्कीम तक डिस्कस करूंगा कि बेसिकली कितने मार्क्स लाने पे और कितने में से कितने मार्क्स लाने पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। इससे पहले मैं बीएचयू से बीए करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिस्कस कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीए एलएलबी के लिए भी फॉर्म डालेंगे, बीए के लिए भी फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो इस बार तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन लग गया है कि आपके पास 6 ऑप्शन ही है सीयूटी में चूज करने के लिए। तो आपको बड़ा ही सोच समझ के ये चूज करना पड़ेगा कि आगे किस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू आपको अपना करियर बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज, डोमेन या जीटी चूज करना है। तो आज ये स्पेशल वीडियो है किसके लिए, सीयूटी में बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए। और ये कौन सा बीएलएलबी, 5 ईयर्स प्रोग्राम। मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, एक एलएलबी होता है, एक बीएलएलबी होता है। जो एलएलबी होता है वो इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बाद में लॉ करने का प्लान करते हैं, बाद में मतलब यूजी के बाद। तो वो बच्चे उस 3 साल के लॉ प्रोग्राम को करके वो कुछ भी बन सकते हैं बेसिकली इस फील्ड में। लेकिन बीएलएलबी 12वीं के जस्ट बाद ऑफर करता है कि आप इस लॉ वाले क्षेत्र में आ सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट 12वीं के बाद वाला बीएलएलबी है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में ब्लैड भी बोलते हैं, 5 ईयर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किसी स्ट्रीम से आ तो आप इसको कर सकते हो, यानी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि 12वीं में आप लीगल पढ़े होगे या लॉ का कुछ पढ़े होगे तभी आप इसको कर सकते हो। आप कॉमर्स लिए हो, आप मैथ बायो लेके पढ़े हो, कंप्यूटर लेके पढ़े हो, कोई फिजिकल एजुकेशन लेके पढ़ा है, तो भी आप इस कोर्स को सीयूटी के थ्रू बीएचयू के लिए या किसी यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, सीयूटी में बेसिकली कहा जा रहा है कि आपको बी एलएलबी करना है तो एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट चूज करना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ डेमेन यू हैव टू सेलेक्ट लीगल स्टडीज। यहीं पे बात थोड़ी सी बदल जाती है, बीए से अलग है। क्या है, आपको बीएचयू से बी एलएलबी करना है तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीयूटी के थ्रू ये कहता है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट चूज करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू सेलेक्ट लीगल स्टडीज एज अ डोमेन। आपको एक डोमेन चूज करना है लीगल स्टडीज। ठीक है, और बाकी डिटेलिंग अब हम लोग डिस्कस करते हैं। मार्किंग स्कीम इसका जो है, एक भाषा हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, लीगल हो गया। तो भाषा और ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। भाषा के लिए यहां पे बोल रहा है कि 50 क्वेश्चन आएगा, 40 आपको अटेम्प्ट करना है, 10 जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम 50। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब टोटल 50 में 40 आप कुछ भी कर लो, कोई 40 कर लो, वहां पे स्लॉट बना रहता है, जैसे आप 40 पूरा करोगे आपका वहां पे फिल हो जाएगा। कंडीशन आपको ध्यान तब देना है जब ओएमआर में कलर कर रहे हो, तो वहां पे आपको सही ही कलर करना है, क्योंकि वहां पे 50 का ऑप्शन देगा, 40 ही कलर करना होगा। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, जैसे 40 कंप्लीट होगा वो अपने आप स्लॉट भर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 45 मिनट मिलेगा आपको लैंग्वेज के लिए, 45 मिनट्स मिलेगा और ईच क्वेश्चन करीब 5 मार्क्स, मतलब हो गया 200। उसके बाद जनरल टेस्ट कहता है कि आपको 60 मिलेगा, 50 अटेम्प्ट करना है। इसके लिए जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 60 मिनट, ऊपर 45 मिनट ही मिला था, यहाँ पे 60 मिनट मिल रहा है। जनरल टेस्ट के लिए एनटीए रिकमेंड कर रहा है 60 मिनट और लीगल के लिए 50 क्वेश्चन आएगा और आपको 40 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सेम जैसा कि आपको लैंग्वेज के लिए करना था। ठीक है, और यहाँ पे सेम वही मार्किंग हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि लीगल स्टडीज का तो पूरा मार्क्स जुड़ेगा और जनरल टेस्ट का भी पूरा ऐड होगा, लेकिन जो ये लैंग्वेज है इसका 50% ही ऐड होगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा मैं समझाता हूं। जैसे कि कोई बच्चा लैंग्वेज में पूरा पूरा आ गया तो पूरा 200 नहीं ऐड होगा मार्किंग के लिए, कितना ऐड होगा, 100, आधा। सपोज कोई बच्चा कितना पाता है, 180, तो कितना ऐड होगा, 90। समझ में आ गया, मतलब उसका हाफ ही ऐड किया जाएगा आपके कट ऑफ मेकिंग के लिए, फाइनली जो मेरिट बनेगी उसके लिए। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। हमारे यहाँ 999 यानी 999 रुपए में इसका कोर्स अवेलेबल है, फुल जनरल टेस्ट, पूरा लैंग्वेज और साथ ही साथ आपका लीगल, कितने में, 999 रुपए में। कोई ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।